अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ब्यावानी बीएनटी न्यूज़ चैनल में सभी का खैर मकदम है। डालते हैं नज़र एक अहम खबर की जानिब। जलसा सीरत-ए-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तिमा आम में एक अहम हिदायत। मोहतरमा शीमा नज़ीर साहिबा की जानिब से मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किस तरह से मनाए, नौजवानों के लिए अहम हिदायत। उन्होंने मुखातिब करते हुए मीडिया से अपनी बात को वाज़ह तौर पर बताया। मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में दरूद शरीफ का नजारा पेश करना चाहिए, ना कि डीजे पर नाचना थिरकना चाहिए। मुसलमानों को अपने बेहतरीन मुसलमान होने का सबूत देते हुए नमाजों का भी खास ख्याल रखना चाहिए। इस मौके पर लेकिन इसके बावजूद दीन इस्लाम जो है पीछे नहीं हटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर अपनी जिद्दोजहद में लगे रहे और इसके बाद अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा को हिजरत फरमाते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला फिर वहाँ से फतह मक्का अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला इस तरह सिर्फ 23 साल के दौर में दीन इस्लाम मुकम्मल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से पूरी दुनिया में दीन फैल गया। तो आज हम तमाम को इस सीरत के महीने में, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सादत का महीना है ये माह रबी अव्वल, इस महीने में हमको चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बगौर मुताला करें, अपने बच्चों को अपने अहले खानदान को बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह जाफिशानी के साथ दीन इस्लाम को बाकी रखा, इसे पूरी दुनिया में फैलाया। और आज हम तमाम से भी अल्लाह ताला का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतालबा है कि हम सब मिलकर कोशिश करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर खुद अमल करें और उसकी हिफाजत करें, उसे दूसरों तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो, इस्लाम में हमारी मदद फरमाए। अल्लाह ताला आमीन सुम्मा आमीन। नाफिर दाना नारे सुबह के बाद बचपन से ये गुजारिश है कि वो खुद दीन पर अमल करते हुए एक बामल मुसलमान का किरदार अदा करते हुए लोगों के सामने एक बेहतरीन मिसाल पेश करें और दीन में जो चीज़ें नहीं हैं उन चीज़ों को लाकर उसे दीन का हिस्सा न समझें, बल्कि जो वाकई दीन है जो अल्लाह के रसूल ने करके दिखाया है आपकी सुन्नत और आपके हदीस के ज़रिए से उसी दीन को फॉलो करें और उसी पर चलते हुए इस पर अमल करें। और आजकल जो जिस किस्म के खुराफात आम हो चुकी हैं, जिस तरह से डीजे में नाच गाना है, इसे तो इस्लाम ने मना किया है। तो इन चीज़ों से बचना इंतहाई ज़रूरी, एक मोहलिक जो है अमन है जो इस्लाम में दाखिल हो चुका है, जिसे लोग जो है कोई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है मोहब्बत का तकाजा समझ रहे हैं, तो ये वो नहीं है, बल्कि ये जो हमारे दीन को खतरे में डालने वाली बात है। तो इन चीज़ों से इंतहाई ज़रूरी है कि बचा जाए, महफूज रहा जाए और बेहतरीन तौर पर एक बेहतरीन मुसलमान का किरदार, बामल मुसलमान का किरदार अदा करते हुए हमको ज़माने के लिए, लोगों के लिए, दुनिया के लिए मिसाल बनना है। क्योंकि हम कुरान के ज़रिए से कुरान के किरदार को अपना के उस किरदार के ज़रिए से ही लोगों के सामने दावत देख कर एक ज़ाहरा पेश कर सकते हैं और इन्हीं कोशिशों के ज़रिए हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इस पर अमल की बेहतरीन तौफीक नसीब करें। जज़ाकल्लाह खैर। तफसीली रिपोर्ट एडिटर शी सदगौस मोहद्दीन की ब्यावानी न्यूज़ से। इसी तरह की हम खबरों के लिए ब्यावानी न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।